जमात के प्यारे विद्यार्थी हो, तो सारे का सामाजिक सिक्ख्या की इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत बहुत स्वागत। अपना अगला जो टॉपिक है वो इतिहास न संबंधित है। तो पाठ पुस्तक पाठ नंबर 13 मौर्या शुंग काल अपना अज का विशेष टॉपिक है, जिस बारे आप विस्थार पढ़ांगे अति जानकारी प्राप्त करांगे। ये काल जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समा मनिया जाता है, आम करके भारतीय प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अस्थिरता अनिश्चितता का समा मनिया जाता है, क्योंकि इस काल में मौर्य साम्राज के उत्थान तो पहला भारतीय शासक गैर जिम्मेदार लापरवाह अयोग साबित हो रहा सी। दूजे पासे सिकंदर महान वर्गे संसार जेतु भारत उपर हमले करने की तैयारी में सन। देश का बहुत सारा हिस्सा छोटे छोटे राजा वंडिया होया सी, जिन्हां दे राजे आपस में अक्सर ही लड़ते रहते सन। इस समय की जरूरत यह शासक की सी जो सारे देश नू स्थिरता एकता अखंडता प्रदान करने की योग्यता रखता हो। सिकंदर का भारत उत्ते हमला। सिकंदर मकदूनिया का एक महान यूनानी जेतू राजा सी। इसनू इतिहास में सिकंदर महान के नाम नाल भी जाना जाता, क्योंकि इन्हें संसार के बहुत सारे देशों को पहले ही जीत लिया। इसने भारत उत्ते 326 ईस्वी पूर्व में हमला किया सी। उसने ब्यास नदी तक पंजाब विच उत्तर पश्चिम के कई राजाओं को हराया। पहला उसने तक्षशिला के राजे अंबी को हराया। उसने उस वेले के प्रसिद्ध राजा जिहड़ा कि उस वेले पंजाब राज दे विच राज करदा सी, उसका नाम सी पोरस, जिहनू पुरू भी कहा जाता है, उसनू भी हराया। पोरस एक बहादुर राजा सी। उसने सिकंदर का बहुत डट के मुकाबला किया। सिकंदर के सैनिक पंजाब के रुखां की बहादुरी देख के डर गए। भावें पोरस हार गया पर उसने सिकंदर नू बहुत प्रभावित। अंत सिकंदर नू लगातार युद्धां कारण थक हार के अपने सैनिकां समेत ब्यास नदी तो ही वापस मुड़ना पड़ा। प्यारे बच्चियों, ये तस्वीरां जो तुसीं वेख रहे हो इन्हां विच्चों खब्बे हथ वाली तस्वीर सिकंदर महान की है, जिसनू घोड़े उपर सवार विखाया गया है। जिस तरह के पहला ही तुहानू दस्या है कि सिकंदर एक महान संसार जेतू योद्धा सी, जिसने संसार के बहुत सारे देश जित्तण तों बाद 4 ईस्वी पूर्व भारत उत्ते हमला कर दिता सी। सज्जे हथ की तस्वीर उस समय के एक युद्ध का दृश्य पेश कर रही है और दिखा रही है कि किस तरह विशाल यूनानी सेनावां अपने वड्डे लश्कर घोड़े हाथियां नवीनतम हथियारों नाल लैस सन। अपनी विशेष युद्ध कला विशाल सेना कारण ही अपनी योग अगवाई के कारण सिकंदर महान होया ते अपनी जेतू मुहिम दे विच अगे वल्लों ही वधदा जा रहा सी। प्यारे विद्यार्थियों, आओ हुण आपां मौर्या वंश की स्थापना दे संबंधी जानकारी प्राप्त करिए। ये जो तस्वीर तुसी वेख रहे हो ये चंद्रगुप्त मौर्या दे महान गुरु चाणक्य दी। मौर्या वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्या ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता नाल लगभग
321 ईस्वी पूर्व विच नंद वंश नूं खत्म करके कीती। चंद्रगुप्त मौर्या दे महान गुरु चाणक्या, जिन्हां नूं कोटल्या भी कहा जाता है, उन्हां ने इस वंश की स्थापना विच बहुत वड्डा योगदान दिता। असल विच वो चाणक्या ही सी जिसने चंद्रगुप्त पहले नूं लभ्या, तराशिया ते अपनी बहुमुली विद्या ते विचारां नाल लैस कीता ते नंद वंश दे अयोग ते निकम्मे शासन दा अंत करके मौर्य वंश दी स्थापना कीती। चंद्रगुप्त पहले नूं मौर्य साम्राज्य दे पहले शासक वजों स्थापित कीता। मौर्य साम्राज्य दे सोमे जो हुण आपां मौर्य साम्राज्य दे उहनां सोमिआं बारे जानकारी प्राप्त करांगे जिन्हां तों सानूं उस समें दे जीवन बारे, उस समें दे हालातां बारे विस्तार विच जानकारी प्राप्त हुंदी है। प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य संबंधी सानूं वख-वख सोमिआं तों जानकारी मिलदी है। इन्हां सोमिआं तों सानूं मौर्य राज प्रबंध, उस समें दे समाजिक अते आर्थिक जीवन बारे जानकारी मिलती है। ये सोमे हेठ लिखे हैं। सब तो पहला कोटल्या द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, जो कोटल्या बारे तो मैं पहला भी दस चुका हाँ, कोटल्या जिसनूं चाणक्या भी कहा जाता सी, चंद्रगुप्त मौर्या का गुरु सी, उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र संसार दी महान पुस्तकां विच गिणी जाती है। और इस पुस्तक तो उस समय दे हालातां बारे सानू बहुत ही विस्तार विच जानने दा मौका मिलता है। दूसरा, बैक्सथनीज जो कि यूनान दा सी अते उस समय दा मशहूर लेखक अते विद्वान सी और उन्हां दिनां विच भारत विच ही आया होया सी, उस द्वारा लिखी हुई पुस्तक इंडिका, ये भी बड़ी मशहूर पुस्तक है जिस तो सानू उस समय में सामाजिक ते आर्थिक जीवन बारे बहुत कुछ प्राप्त होगा। इस तो बिना बच्चियों अशोक जिदे बारे के असी अगे जाके पढ़ांगे, जो कि मौर्य साम्राज्य का एक बहुत बड़ा शासक होया है, उसने कुछ स्तंभ ते शिलालेख बनवाए सन जिन्हां उत्ते उतरी हुई जानकारी तो भी सानू बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों बारे पता लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, आओ हुण आपां चंद्रगुप्त मौर्या बारे विस्तार विच जानकारी प्राप्त करते हाँ। जिवें कि तुहानूं पहलां दस्सिया ही है कि चंद्रगुप्त मौर्या साम्राज का पहला वड्डा शासक होया है। चंद्रगुप्त मौर्या सारे भारत को एक सूत्र विच परोण वाला पहला राजा सी। उसने 321 ईस्वी पूर्व तो 297 ईस्वी पूर्व तक राज किया। उसने यूनानी राजे सेल्यूकस नु हराया। हार तो बाद सेल्यूकस नु अफगानिस्तान का एक वड्डा हिस्सा चंद्रगुप्त नु देना पड़ा। चंद्रगुप्त ने अपनी योग्यता और अपनी बहादुरी के नाल एक विस्तार, एक बहुत ही विशाल खेत्र नूं अपने राज विच बदल दिता, जिस विच उत्तर पच्छम विच अफगानिस्तान तक, दक्षिण विच कर्नाटक तक, पूर्व विच असाम तक, अते पच्छम विच गुजरात तक बहुत वड्डा विस्तार सी। चंद्रगुप्त दी मौत तो बाद उसका पुत्र बिंदुसार उसकी गद्दी उत्ते बैठा ते उसने लगातार 25 साल तक राज किया। ये जो नक्शा जो तुहाडे सामने है मौर्य साम्राज्य दे विशाल साम्राज्य नूं दिखा रहा है। जिवें कि बच्चों तुहानूं पहला ही दस्या जा चुका है कि मौर्य साम्राज उत्तर पच्छम विच अफगानिस्तान तक,
ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ ਤਕਸ਼ਿਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਪਿਲਵਸਤੂ, ਸਾਰਨਾਥ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਸਕ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ 273 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 232 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 261 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਤਮ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਤਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਾਣਕਿਆ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
अर्थशास्त्र का महारथी सी। उसने चंद्रगुप्त नूं एक कुशल राज प्रबंध तैयार करन विच उसकी वड्डी सहायता दित्ती। मौर्या राज प्रबंध एक वड्डा अते चंगा राज प्रबंध सी। राजा साम्राज दा मुखी हुंदा सी, वो बहुत शक्तिशाली हुंदा सी। उसकी सहायता लई एक मंत्री परिषद हुंदी सी। मंत्रियां नूं अमात्या भी कहा जांदा सी। इस तो इलावा युवराज सनीताता, जिन्हों मुख खजानची भी कहते सन, समाहरता कर इकट्ठे करने वाला अधिकारी, बहुत सारे विभागों के अधिकारी जिमें जंगलों का, विदेश यात्रियों का आदि होंगे सन। साम्राज्यां नूं प्रांतां विच वंडिया गया सी। आम तौर पर राजकुमार प्रांतां दे गवर्नर होंगे सन। प्रांतां दे होर अफसर राजक महामातर युक्त हुंदे सन। मौरिया सेना विच पैदल सैनिक घोड़े हाथी अते रथ शामिल हुंदे सन। मौरिया दा जसूसी विभाग बहुत ताकतवर सी। प्यारे विद्यार्थियों, हुण आपां मौरिया काल दी समाजिक अते आर्थिक स्थिति दा मुलांकण करांगे। जिवें कि पहला ही मौरिया सम्राज दे सोमिया विच आपां पढ़ चुके हां कि मौरिया काल बारे आपां नूं विस्थारित जानकारी चाणक्या द्वारा लिखी बेहद चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्र अते मैक्सथनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, इन्हां तो जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज ने उस समय के समाजिक अते आर्थिक जीवन बारे बहुत विस्थार विच लिखिया है। मैगस्थनीज के अनुसार मौरिया समाज विच लोग कई प्रकार के किते अपनाउंदे सन। लोग वख वख धर्मां नाल संबंधित हुंदे होए भी एक दूजे का आदर करते सन। स्त्रियों नूं पूरी आजादी सी। तक्षशिला, पाटलीपुत्र अते वाराणसी सिख्या दे महान केंद्र सन। राज प्रबंध चलाउण लई कई तरह के कर लगाए जाते सन, जिमें खेतीबाड़ी कर, सिंचाई कर, वपार कर आदि। इस इकट्ठे किए गए धन नूं लोक भलाई के कम्मां उत्ते खर्चिया जाता सी। जिमें कि चंद्रगुप्त मौर्या ने गुजरात विच सुदर्शन नां दी एक विशाल झील बनवाई सी। कला अते भवन निर्माण कला। मौर्या सम्राटा नूं कला नाल बहुत प्यार सी। चंद्रगुप्त मौर्या भावें बहुता समां अपने साम्राज नूं फैलाउण विच ही व्यस्त रहा, पर उसका राज महल बहुत वड्डा ते वेखण योग सी। भवन निर्माण कला दे खेतर विच अशोक महान दा योगदान सराहण योग रहा है। उस द्वारा बनाए गए स्तंभ अते स्तूप अते उकरे गए शिलालेख विश्व प्रसिद्ध हन। हेठां विखाइयां तस्वीरां विच
खबे हथ सारनाथ विखे बने अशोक स्तंभ का उपर वाला भाग विखाया गया है। इस विच पिट लगा के बैठे शेरां दी ये मूर्ति साडे राष्ट्रीय चिन्ह वजों अपना ली गई है। इस मूर्ति दे हेठ विखाई दे रहा अशोक चक्कर साडे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे दी शोभा वधा रहा है। सजे हाथ तुसी इसे महान स्तंभ दा दूर दा दृश्य वेख सकते हो। इसे तरह बच्चों अशोक द्वारा बनाए गए एक होर बड़े प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप नू तुसी इस तस्वीर विच वेख रहे हो। सारनाथ वांग ये स्तूप भी वेखण योग है। दूरों दूरों यात्री अते इतिहास के विद्यार्थी अते खोजी इस नू वेखण आउंदे हन। इन्हां स्तंभां ते कीती गई पालिश अते बैल हाथी अते शेर आदि मूर्तियां इन्हां नू बेहद आकर्षक बनाउंदियां हन। सज्जे हाथ बाराबर दे पहाड़ां विच अशोक द्वारा ही बनवाई गई एक ठंडी गुफा दा चित्र तुसी वेख रहे हो। इसे तरह दियां होर गुफावां बिहार दे नागार्जुनी पहाड़ां विच भी वेखण नू मिलदियां हन। ये गुफावां दा निर्माण बौद्ध भिक्षुआं अते बाहरों आए यात्रियां अते मेहमानां लई खास तौर ते करवाया गया सी। प्यारे बच्चों, इस तो बिना यक्षां अते यक्षणियां दियां मूर्तियां भी मिलदियां हन जो वेखण विच बेहद खूबसूरत हन। पंजाब दे वख-वख स्कूलां दे प्यारे विद्यार्थियों, आपां मौर्या वंश बारे विस्थार विच जानकारी ली है अते हुण आपां शुंग वंश बारे जानकारी लवांगे। पर इस तो पहला ये जानना जरूरी है कि मौर्या वंश दा एकदम पतन किस तरह हो गया। बच्चों, इस वंश दे पतन दा सब तो वड्डा कारण कमजोर उत्तराधिकारियां दा होना सी। मौर्या वंश दे आखरी शासक चंद्रगुप्त अते अशोक वांग समर्थ अते योग उत्तराधिकारी उन्हां नूं नहीं मिले। मौर्या वंश दे आखरी शासक बृहदर्थ दा 184 ईस्वी पूर्व विच पुष्या मित्र शुंग ने कत्ल कर दिता सी, जिस करके मौर्या वंश दा पतन हो गया। इस वंश नूं शुंग वंश दे नाम नाल जाणिया जांदा है। पुष्या मित्र इस वंश दा सब तो शक्तिशाली राजा सी, जिसने कई जित्तां प्राप्त कीतियां। मध्य प्रदेश विच स्थित भरहुत स्तूप उसदे समय बनाया गया एक खास भवन सी, जिसकी तस्वीर नीचे दित्ती गई है। पुष्या मित्र तो बाद उसका पुत्र अग्नि मित्र शुंग वंश का अगला शासक बनिया। शुंग वंश का पतन छेती ही हो गया। कारण वही सी,
जिस तरह मौरिया वंश दे उत्तराधिकारी कमजोर अते अयोग सन, उसे तरह शुंग वंश नूं भी चंगे उत्तराधिकारी नहीं मिले। इस तों बाद मध्य एशिया तों बहुत सारे विदेशियां जिवें कि शक, पल्लव, कुशाण आदि ने भारत उत्ते हमले करने शुरू कर दिते। सो इस तरह प्यारे बच्चों, इस पाठ का यह हिस्सा इत्थे ही खत्म हुंदा है। इस पाठ के अगले हिस्से विच आपां पढ़े हुए इस पाठ का मुलांकन करांगे अते दोहराई लई पूछे जा सकदे जरूरी प्रश्नां दे उत्तर भी विस्थार विच समझण दा यतन करांगे। प्यारे बच्चियो, तुहानू ये पाठ अपनी पुस्तक विचों भी चंगी तरह पढ़ लेना चाहिदा है। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अखीर विच विशेष शुक्राना तैयार करता श्रीमती कमलजीत कौर, SS मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहट बद्दी, जिला लुधियाना। विशेष सहयोग देता गुरदीप सिंह, BM अंग्रेजी, समाजिक सिक्ख्या, ब्लाक रायकोट, लुधियाना। विशेष योगदान सुबोध वर्मा, DM अंग्रेजी, समाजिक सिक्ख्या, जिला लुधियाना। बहुत बहुत धन्यवाद जी।